इसराइल ने जब हिजबुल्ला पर हमले तेज कर दिए थे तब किसी को यकीन नहीं था कि महज एक सप्ताह में पूरी दुनिया एक नई बहस की तरफ बढ़ जाएगी। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला मारा गया, नसरल्ला के साथ कई हिजबुल्ला कमांडर ढेर हो गए, तो लगा कि अब शायद मिडिल ईस्ट में कुछ दिन शांति हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिजबुल्ला पर हुए हमले ने इसराइल और ईरान की पुरानी दुश्मनी को चिंगारी दे दी है। अब तक दूर से तमाशा देखने वाला ईरान अब जंग में कूद पड़ा है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागकर साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि अभी एक और जंग होनी बाकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जंग महज इसराइल और ईरान तक सीमित रहेगी? जैसे ही ईरान ने इसराइल पर गोले बरसाए, अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो इसराइल के साथ है और वो इसराइल की हर संभव मदद करेगा। अब इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से न सिर्फ मिडिल ईस्ट में टेंशन है बल्कि दुनिया भर में दहशत है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी, क्योंकि ईरान के मिसाइलों की बारिश के बाद इजरायली पीएम ने बदला लेने की कसम खा ली है। तो ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि इसराइल ने पलटवार किया तो करारा जवाब भी दिया जाएगा, जिसके बाद सभी देशों की सांसें अटकी हुई हैं। अब इसराइल या ईरान किसी की तरफ से भी अब हमला हुआ तो बड़े युद्ध की शुरुआत होगी, जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को कोई रोक नहीं पाएगा। इसी आशंका को देखते हुए G7 देशों की इमरजेंसी बैठक हुई है, जिसमें अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इसराइल के साथ है। साथ ही इसराइल को ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला ना करने की चेतावनी भी दी है। बाइडेन ने कहा है कि G7 देश इस बात से सहमत है कि इसराइल को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने ईरान पर ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात भी की और कहा कि वो जल्द नेतन्याहू से भी बात करेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो माहौल बना है उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं दो देशों की लड़ाई विश्व युद्ध में बदल न जाए। इसराइल से तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान कतर पहुंचे हैं, जो ईरान का समर्थक है। माना जा रहा है कि इस दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति इसीलिए पहुंचे हैं ताकि इसराइल के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई जा सके। इन सबके बीच लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल लगातार हमले कर रहा है, जिससे नागरिकों की भी मौत हो रही है, ये खबरें लगातार आ रही हैं। लेबनान में इसराइल का हमला जारी है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के दामाद हसन जाफर अल कासर को भी सीरिया में एक एयर स्ट्राइक में मार दिया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमले में उसकी मौत का दावा किया जा रहा है। यानी इसराइल इस समय सीरिया लेबनान के साथ साथ गाजा में हमास यमन में हूती विद्रोहियों से मुकाबला तो कर रही है। ईरान में भी नया फ्रंट खुल गया है। मिडिल ईस्ट में ईरान की खास भूमिका है, जिसके समर्थन में दुनिया भर के कई देश हैं जो यूरोपीय देशों को अपना दुश्मन मानते हैं, वो उसके साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईरान के साथ इसराइल की जंग बढ़ी तो विश्वंशक युद्ध मतलब युद्ध की शुरुआत तय मानी जा सकती है। पूरी दुनिया की नजर ईरान और इसराइल पर टिकी है। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया को एक अनचाही युद्ध का मुंह देखना पड़ सकता है।